एक्स, इससे इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करना है, बस सिंपली डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स इसको। क्वेश्चन समझ आ गया प्रणव? यस सर, यस सर। बेटा क्वेश्चन समझ आ गया? चलिए ठीक है, वेरी गुड। यस यस सर। चलिए अब देखिए थोड़ा क्वेश्चन में ये जो ऑर्डर है गलत है प्रणव, इसमें क्या गलती है? यस सर, इस क्वेश्चन में सर ऑर्डर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। यस वेरी गुड, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। एक बार फिर से अनंत तुम्हें बता रहा हूं, हाँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले एक्स स्क्वायर आता है, उसके बाद एक्स आता है और उसके बाद एक्स नहीं आता। ये एक्स स्क्वायर आया, यहाँ एक्स आया और अब एक्स नहीं है। सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। आफ्टर कन्वर्टिंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म वी आर गोइंग टू डिवाइड बाई दिस पॉलिनोमियल टू द गिवन पॉलिनोमियल। नाउ कम टू द पॉइंट, हमारा पॉइंट वही है, सबसे पहले क्या करेंगे ऐसे बना लेंगे। यहां पे x की पावर 4 है, यहां पे x की पावर 4 है फर्स्ट टर्म, और यहां पे x की पावर 2 है। इस x स्क्वायर में, इस x स्क्वायर में हम किस चीज से मल्टीप्लाई करें सो दैट इट विल बिकम x की पावर 4? तो यहां पे हमें x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 बन जाएगा। तो ये जो x की पावर एक्स स्क्वायर आया, हम यहां पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और उसके बाद, इसके बाद अनंत समझ आ रहा है? यस सर। स्क्रीन दिखाई पड़ रही है? यस सर। ठीक है, गुड। तो एक्स स्क्वायर से इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करके यहां लिख देंगे एक्स की पावर 4। लेकिन इस एक्स स्क्वायर का केवल एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं होगा, पूरे से होगा, पूरे से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। फिर एक्स स्क्वायर का इस वन से मल्टीप्लाई होगा, प्लस इसका साइन है, इसका साइन प्लस है, प्लस प्लस हो गया प्लस, वन इंटू एक्स स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, राइट? नाउ एक्स स्क्वायर से फिर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स और प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ठीक है? Yes, sir. हाँ एक गलती हो गई, देखो मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया था, है ना ऐसे, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं किया, तो इसको यहाँ चेंज कर ले थोड़ा सा, यहाँ पहले थोड़ा सा चेंज कर ले तो थोड़ा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर, एक मिनट, माइनस एक्स है ये, माइनस एक्स प्लस वन, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो पहला वैसे ही आएगा, माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इट विल बिकम माइनस का एक्स क्यूब, एंड वन इंटू एक्स स्क्वायर इट विल बिकम एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? चलिए अब हमेशा इसके पूरी लाइन के सारे साइन चेंज कर देंगे, उल्टे कर देंगे। जो साइन अगर पॉजिटिव है से निगेटिव कर देंगे, निगेटिव है देन पॉजिटिव कर देंगे, पॉजिटिव देन निगेटिव कर देंगे, इट विल बी कैंसल्ड आउट। अब जो जो बच रहा है हमारे पास, देखो एक्स स्क्वायर वाला ये है और एक्स स्क्वायर वाला ये है, इनको साथ में लिखेंगे और एक्स क्यूब वाला अलग है। तो सबसे पहले बड़ी पावर का टर्म पहले लिख लेते हैं, प्लस वाला एक्स क्यूब, यानी एक्स क्यूब केवल। फिर यहां से लिखेंगे, ऊपर से बचेगा माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर, यहां से लिखेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर जो ये बचा एक्स वाला जो इसमें नहीं है, फाइव जो नहीं है, लिखेंगे प्लस का फोर एक्स प्लस का फाइव। यहां तक समझ आ गया? बोलिए। हाँ सर, जो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर है और माइनस एक्स स्क्वायर, उसको प्लस नहीं करेंगे? बेटा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इन दोनों को हम अब यहाँ पे प्लस कर लेंगे अगले स्टेप में, या यहीं पे कर सकते हो डायरेक्टली, है ना? सारे बच्चों को समझ में आ जाए इसलिए मैंने थोड़ा इसको एक्सप्लेनेशन वे में पढ़ाया है, ठीक। अब क्या करेंगे, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि लाइक टर्म्स है ये, इट विल एड। तो ये माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल बिकम माइनस फोर एक्स स्क्वायर, है ना? और ये यहां से हट जाएगा, ठीक। अब बचेगा ये प्लस फोर एक्स माइनस प्लस फाइव, यहां से लिख लेंगे प्लस का फोर एक्स प्लस का फाइव। अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए तो रफ कॉपी में, रफ पेज पे ये पूरा जो बचा कटने के बाद, आफ्टर कैंसिलिंग आउट दिस, इसको पूरा ऐसे लिख लो, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके यहां लिख दो बस। देखो ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है, सबसे बड़ी पावर है, पहले आ गया, फिर थ्री एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर सॉल्व होकर के ये आ गया, फोर एक्स उसके बाद आया और ये फाइव जो बचा ऐसे आ गया।
ये इसका लॉजिक है। अब हमारे पास ये स्टेप खत्म हो गया हमारा पहला। अब दूसरे स्टेप में एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है, हम क्या मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर में एक्स का मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन लेकिन कौन सा एक्स, प्लस एक्स की माइनस एक्स, हमको यहाँ पे प्लस का एक्स क्यूब चाहिए सर, प्लस एक्स। यस, तो यहाँ प्लस लगाएंगे बीच में, दोनों के बीच में प्लस साइन लगा देंगे, प्लस एक्स, प्लस एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर इंटू प्लस एक्स क्या आएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा, ये आएगा एक्स क्यूब। उसी तरह फिर इस प्लस एक्स का इस माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस वन इंटू प्लस एक्स कितना हुआ, प्लस 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 वन इंटू एक्स एक्स कैंसिल, उसके बाद ये कैंसिल, साइन उल्टे, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। अब इसको हम डायरेक्टली यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं, है ना, वेरी गुड बेटा, माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर और प्लस फोर एक्स और ये माइनस एक्स है, अब ये माइनस है, कितना बचेगा, प्लस का थ्री एक्स प्लस फाइव। वेरोनिका बेटा समझ आ रहा है आपको, यस सर, पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है बेटा, कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट, अब हमें यहाँ इस एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर बन जाए, तो रफ में करके दिखाता हूँ पहले, रफ में, हाँ, इसमें अगर हम माइनस थ्री का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, इट विल बिकम माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, तो माइनस थ्री से मल्टीप्लाई किया तो यहां लिख लेंगे माइनस का थ्री, और इस माइनस थ्री से पूरे को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर, ये आ गया हमारे लिए माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल होगा और ये क्या आ जाएगा, एट, एट क्या हो गया हमारे लिए, एट हो गया रिमाइंडर, क्यों रिमाइंडर तब होता है अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे इस प्लेस पे अगर एक्स स्क्वायर से कोई छोटी पावर आ जाए या एक्स खत्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए पूरा फुल्ली, देन इट विल बिकम अ रिमाइंडर, एंड ये हो गया आपका कोशेंट, ये कोशेंट, ये रिमाइंडर, है ना, यही दोनों हमें निकालने थे, क्लियर हो गया, हाँ कर लो आप लोग, कर लो। मूविंग ऑन द क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल लिखने जा रहा हूं, थ्री एक्स की पावर फोर प्लस सिक्स एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस फाइव, क्या कहा गया, इस पॉलिनोमियल के ऑल अदर जीरोज आपको फाइंड करने हैं इफ टू ऑफ इट्स जीरोज, एक है फाइव बाई थ्री का अंडर रूट, दूसरा है माइनस का फाइव बाई थ्री का अंडर रूट, ये दो रूट आपको दिए गए हैं और आपको क्या निकालना है, अदर रूट्स, फाइंड अदर जीरोज। अब थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, पहले समझ लीजिए ध्यान से पॉलिनोमियल में क्या होता है, मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर इज फोर, इफ द मैक्सिमम पावर इज फोर देन द जीरोज नंबर ऑफ जीरोज इज फोर, जितनी मैक्सिमम पावर होती है उसके उतने जीरोज निकलते हैं, जीरोज कितने निकलेंगे इसके, फोर, इसके फोर जीरोज होंगे, लाइक बहुत ध्यान समझिए जरा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, मैक्सिमम पावर कितनी है, टू, इसके जीरोज कितने निकलते थे, अल्फा एंड बीटा, दो ही तो जीरोज निकलते कल पढ़ाया था, इसी तरीके से अगर कोई पॉलिनोमियल होगा जिसमें मैक्सिमम पावर होगी क्यूब, क्यूब प्लस समथिंग डॉट 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 इज इक्वल टू जीरो हो, तो उसके कितने जीरोज होंगे, उसके जीरोज होंगे थ्री, यस, अल्फा बीटा एंड गामा, वो भी आप, हाँ अल्फा बीटा गामा तीन होते हैं, लेकिन अगर किसी में पावर फोर है जैसे इस वाले क्वेश्चन में, तो उसके जीरोज कितने निकलेंगे, फोर जीरोज, ठीक, अल्फा बीटा गामा और उसके आगे साई, ठीक है, हाँ कुछ भी बोल सकते हो उसको, कुछ भी अल्फा बीटा गामा जेड वेक्टर कुछ भी आप ले सकते हो मन में अपने, फोर होंगे हमारे, ठीक, यानी कि जितने भी जितनी मैक्सिमम पावर होती है, जैसे हमने देखा यहाँ पे मैक्सिमम पावर फोर है, तो उसके आंसर कितने निकलेंगे, फोर, उसके सोल्यूशन कितने निकलेंगे, फोर, उसके रूट्स कितने निकलेंगे, फोर, उसके जीरोज कितने होंगे, फोर, ठीक, इन फोर में से टू जीरोज आर गिवेन, दिस एंड दिस, ये दो गिवेन है, एक जीरो ये है भाई, एक जीरो ये, बाकी दो निकालने हैं, यस,
ठीक है, यहां तक समझ आ गया। तो बाकी दो जीरोस निकालने के लिए कैसे कैसे करेंगे? यस ठीक है सर। ओके सर। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, इसके फोर रूट्स होंगे जिसमें दो रूट्स हमें गिवन है, बाकी दो रूट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो ये जो दो रूट्स गिवन है इसका मतलब क्या हुआ, लेट अस सी। एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट रूट जो हुआ हमारे लिए वो है 5/√, ऐसे है ना, एक रूट ये है और दूसरा रूट है x इज इक्वल टू माइनस का √5/3। क्लियर? अब क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं ना हमेशा, स्क्वायरिंग करते हैं, नहीं रूट हटाने के लिए हमेशा स्क्वायर करते हैं, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5/3, ठीक, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर लिखेंगे 3x² इज इक्वल टू 5। अब इसको इधर ले आएंगे 3x² माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये आ गया एक। इसी तरीके से यहां भी करेंगे x² इज इक्वल टू, जब कभी इसका स्क्वायर करोगे, जैसे ही इसका स्क्वायर करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना है, माइनस भी हट जाएगा, माइनस भी हट जाएगा, हाँ। अब सुनते चलना ध्यान से, बहुत ध्यान समझिएगा, जब यहाँ पे हमने रूट हटाया था, जब यहाँ पे रूट हटाया था तो एक प्लस वैल्यू आती है और एक माइनस आती है, ऑलवेज रिमेम्बर, जब कभी 4 का अंडर रूट आप सॉल्व करेंगे इट विल बिकम +-2, इसका आंसर +2 होगा और -2 भी होगा, लेकिन सही यहां तक। तो हमने यहां पे पॉजिटिव वैल्यू टेकअप की है, यहां पे हमने पॉजिटिव 5/3 ले लिया है, प्लस वाला, माइनस वाला नहीं लिया, माइनस वाला नहीं लिया, ठीक है। अब सुनिए जरा ध्यान से, यहां पे क्या होगा, जब कभी हम इसको सॉल्व करेंगे रूट को तो ये माइनस हट जाएगा, रूट हट जाएगा, आंसर फिर से +-5/3 आएगा, माइनस ये वाला हट गया, ये वाला माइनस खत्म हो गया, कैसे इसको समझा रहा हूं, माइनस का 5/3 का ये था, हमने किया अंडर रूट लगाया था इस पे और पूरे का स्क्वायर किया, तो माइनस का स्क्वायर क्या होता, माइनस माइनस प्लस हो गया, और रूट का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, और अब जो अंदर बचता है वो प्लस और माइनस की दोनों वैल्यूज बचती हैं, दैट मीन्स +-5/3। ध्यान से देखो, ये भी वही था +-5/3, हमने यहाँ पे पॉजिटिव ले लिया था, अब यहाँ पे निगेटिव ले लेंगे, अब यहाँ पे क्या लेंगे, क्योंकि वैल्यू सेम है इसलिए हम क्या करेंगे, निगेटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे 5/3, गॉट इट, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे 3x² इज इक्वल टू -5, 3x² +5 इज इक्वल टू 0, दोनों को हम 0 के बराबर करेंगे, पहले फर्स्ट पहला काम क्या, इनको हमने x के बराबर रखा, रूट सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया और इसको इधर सबको ट्रांसफर किया, इस तरह दो फैक्टर बनाए, ठीक, दीज आर टू फैक्टर्स, अभी ये क्या थे, जीरो, समझना, ये क्या थे, जीरोस फॉर्म में थे, इसको हमने फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, इसे स्नैप ले लो फिर हम आगे बढ़ाएं, स्नैप ले लिया, लिख रहे हो, लिख लिया, बहुत बढ़िया बेटा, जो लोग लिख रहे हैं बहुत अच्छे हैं वो, ठीक है, मिटा रहा हूं मैं इसे, है ना, ये हमारा मेन काम, ये जो लास्ट वाला स्टेप था इसको नहीं मिटाऊंगा, बस इसी का काम है आगे, हाँ, ये दो वैल्यूज हमारे पास आई और दोनों जीरो के बराबर हैं। अब क्या करेंगे हम इस पूरे को, अब आप एक काम करिए, यहां पे एक्स की पावर 4 है, 2 है, हम इस वाले एक्सप्रेशन से इसको डिवाइड कर दें, मतलब क्या, इसको ऐसे लिखें, यहां पे लिख दे 3x² - 5, बस इससे इसको डिवाइड कर दे, सिंपली डिवाइड करना है, हाँ दोनों को ऐसे करना है, ठीक, इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करिए,